अभी मैं आप साथ जस्ट अपना गाइस कंप्यूटर का तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था ना कि मेरा थर्ड पेपर था एसएससी का, जो कि माशाल्लाह गाइस बहुत अच्छा पेपर, मैं प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब कि रिवाइज कर रहा हूँ ना, मुझे बस याद है, सब याद है, बस मैं कंप्यूटर का याद करके मैं इसमें उठा, क्योंकि मेरी तो अब आदत हो गई ना सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि मैं तो स्कूल जाने वाला बच्चा हूँ, अब जाए सुबह तो उठूंगा ना, वैसे आदत हो जाती है सुबह उठने की, और मेरे के पास सुबह ही हो रही, मतलब कि हो चुकी है सही ना, तो मैं तकरीबन 11-12 बजे, क्योंकि यार संडे का दिन है, वैसे छुट्टी का दिन होता है ना, इसलिए मामा देर से उठती है। चलो कोई बात नहीं, कैसे हम तो अभी मैं जैसा अपना थोड़ा पढ़ने बैठूंगा, सब मुझे टेंशन इसलिए आ रही है, क्योंकि मैं ना हाथ पे इतना दर्द हो रहा है, ये वाले हाथ पे इसलिए कैसे मेरा दर्द हो रहा है, वो मेरी ये वाली चीज़ नहीं, ये वाली चीज़ यहाँ पे कैसे मेरा दर्द हो रहा है, वैसे कल से हो रहा है, मेरा तो हाथ मूव ही नहीं होता, यूँ नहीं होता मेरा हाथ, मेरे मम्मा को आके बताया, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि डर लगता है ना कैसे कि क्या होगा, फिर मेरी ये वाली मतलब कि हाथ में दर्द होने का, फिर मैंने मम्मा को बताया, मम्मा बोलेंगी कि बाम लगा दो, ये बाम लगा के तो कपड़ा बांध के उसको रख दो 1-2 घंटे के लिए, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं जब बाम हटा के देखा तो कैसे थोड़ा सा फर्क आया था, मतलब कि पहले तो मूव ही नहीं हो रहा था, अब मैं मूव करने लगा हूँ साथ को, आप देखे माशाल्लाह, मतलब कि अब इतना मूव हो रहा है कि मैं चीज़ें मतलब काम वाम कर सकता हूँ, पहले तो करे गैस बेहतर हो थोड़ा थोड़ा, और बस आप लोग मेरी दुआ मांगे कि मेरे पेपर माशाल्लाह जल्दी अच्छे हो, क्योंकि बस अच्छे तो हो रहे मेरे पेपर, जो बात है गैस पेपर बड़े अच्छे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और अभी गैस मतलब पढ़ूंगा दिखूंगा थोड़ी तैयारी वैयारी करेंगे हम, क्योंकि वैसे भी मम्मा उठेंगी, फिर मेरे नाश्ता वाश्ता पकाएंगी, फिर आस पास मम्मा ने कहा था कि हम पार्क जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन मम्मा सूर्य ने इसलिए कहा, क्योंकि मम्मा की गर्दन में भी चीका आ गई ना, कल से चीका आ रही है मम्मा, मतलब पूरी तरह से अब गर्दन को मूव ही नहीं कर पा रही पूरी तरह से, ये मसला हो रहा है, इसलिए आप लोग भी मेरी मम्मा के लिए दुआ करें जल्दी उनकी गर्दन ठीक हो जाए, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। A few moments later. भाई मैं अभी ना पढ़ रहा था कंप्यूटर का, मतलब रिवाइज कर रहा था, अभी मम्मा उठ गए, मम्मा ने बोला जल्दी जल्दी चलो पार्क चलते हैं वॉक करने के लिए, वैसे ही मम्मा सैटरडे संडे को ही तो जाती पार्क वॉक करने के लिए, फिर मेरी मम्मा ने बोला कि अभी ना वॉक करने से पहले थोड़ा सा जूस वूस पीने, इसलिए मम्मा मेरे लिए मैंगो शेक लिया है, थोड़ा सा मैंगो शेक पीते हैं फिर फटाफट निकलते हैं गाइस पार्क के लिए, ओके गाइस। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। तो गाइस अभी हम पार्क के लिए निकलते हैं, ये मैंगो शेक पी के, जब तक भी आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करें, ओके गाइस। तो हम लोग पार्क जा रहे हैं, अब जल्दी से जाए, सही है गाइस, और अभी हमारा टाइम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टाइम हो रहे हैं पूरे 9:45 हो रहे हैं, यहाँ पे हमारा 9:45 टाइम हो रहा है, बस अपने जल्दी से पार्क के लिए निकलते हैं गाइस, ओके गाइस। तो आज अभी हम बाहर जा रहे हैं, सही है, शोर मतलब कि यहाँ पे सब खामोशी खामोशी है, इसलिए क्या शोर नहीं हो रहा, इसलिए मैं भी थोड़ा चुप चुप होकर बोलता हूँ ना, ये हमारी लिफ्ट, ये जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी 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 जल्दी, ये बटन दबा दिया, अब हम लिफ्ट आएगी तो सब वेट करते हैं, ये आप देख सकते गए, बस जल्दी जल्दी लिफ्ट आए यार, फिर हम निकलते हैं पार्क के लिए। 2000 years later हमारी लिफ्ट है गाइस, ये अभी नीचे थोड़ी गए, अभी नीचे जाएंगे लिफ्ट से, फटाफट पार्क के लिए निकलते हैं गाइस। हमारी लिफ्ट है गाइस, ये अभी नीचे थोड़ी गए, अभी नीचे जाएंगे लिफ्ट से, फटाफट पार्क के लिए निकलते हैं गाइस, जल्दी जल्दी आ, जल्दी जल्दी। सो गाइस फाइनली अब हम पार्क के अंदर मतलब कि पार्क में पहुँच गए, ये हमारा है पार्क, अभी अंदर एंटर होंगे, ये आप देख सकते हैं गाइस हमारा पूरा पार्क है। ओ भाई साहब गाइस, अगर आप लोग देखें यहाँ पे, पहले मैं 1-2 महीने पहले आया था ना, यहाँ पे इतने वो नहीं थी हरियाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मतलब की हरियाली हरियाली पूरे घास, उग चुके हैं गाइस, ये अगर आपको नजर आ रहा है, वैसे भी धूप है ना गाइस, मुझे भी नजर नहीं आ रहा इसलिए गाइस, इसके लिए मैं महीने पहले आया था ना, नहीं थी इतनी हरियाली यहाँ पर, बस आगे देखते हैं अब हम गाइस, मज़ा आएगा ना, और भी धूप लगेगी अब सुबह सुबह की, नेचुरल धूप होती ना, और ये अभी मतलब कि पार्क में थोड़ा काम वाम हो रहा है लोगों के बैठने के लिए, ये भी हम लोग मतलब उन लोगों ने
इंतजाम करा है, बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। और बस अब हम लोग आई गाइस बैठेंगे, अब थोड़ा सा धूप और लगा अच्छी ना, यहाँ पे देख सकते पूरा पार्क है हमारा। और बस हम लोग थोड़ा सा उसको धूप वूप लगाते हैं फिर हम लोग। अब ये देखो गाइस कितने अच्छे फूल हैं भाई साहब, ये गाइस मुझे बहुत अच्छे फूल लगते हैं ऐसे, ये पिंक कलर के इनके मुझे नाम याद नहीं है सही से, पिंक पिंक कलर के भी गाइस मुझे बहुत अच्छा फूल लगता है। अगर आपको दिख रहा है गाइस सही है। बस अभी हम थोड़ा बेंच पे बैठेंगे, मेरी मामा भी आई है, वो वहाँ पे वॉक कर रही है ना, यहाँ पे बैठ जाते हैं हम। चल बेटा अब हम देखते हैं। अबे यार कितनी गर्म हो रही है सीट, कहाँ बैठे हैं बताओ यार, यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ थोड़ी सी ठंडी है। चलो गाइस अब बैठते हैं, थोड़ा सा वेट वेट करते हैं जब तक तो मामा को धूप लगाने देते हैं, हम मिलते हैं इस बात में। सुबह में ऐसे बैठे बैठे बोर होते थे, मैंने सोची मम्मा से वॉक लगा दूं, और वॉक लगा के मैंने एक चीज नोट करी है, आप लोग ये फूल देख सकते हैं, आने के जब मैं आया था ना ये फूल था ही नहीं, अब मुझे अचानक से नजर पड़ी, मम्मा ने बोला ये देखो इतने अच्छे फूल है माशाल्लाह गाइस, मतलब की बहुत अच्छा लगा लगा हुई है। और ये हमारे फूल मतलब की वॉकिंग करने का जगह ही है सही का, यहाँ पे अभी थोड़ा वॉक करेंगे। और भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं नीचे नीचे के सारे फूल बहुत अच्छे हैं गाइस, फ्लावर्स पिंक पिंक वाले भी मुझे ग्रो बहुत अच्छे लगते हैं, ये रेड रेड रोज भी बहुत अच्छे हैं गाइस। चलो चलो थोड़ी सी हम गाइस बैठ जाते हैं, थोड़ी सी धूप लगाते हैं ना, वैसे भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, माँ ने बोला धूप धूप लगा दो, धूप से भी थोड़ा फायदा फर्क पड़ेगा तुम्हारे हाथ में। चलो थोड़ा सा हम बैठते हैं, सुबह जब हम निकल रहे हैं सही गाइस, अभी आप सीटें पूरा है हमारा पार्क वार्क है, अब हम निकलते हैं। चलो भैया मैंने मम्मा से बोला मम्मा बहुत भूख लग रही है, मतलब कि एक घंटे से ज़्यादा हो गया नहीं आ रहे हुए, अब चलो निकलते हैं। चलो भाई हम बिल्डिंग के अंदर एंटर हो गए फाइनली, पार्क से भी थोड़ी धूप लगा के आ गए, थोड़ा सा अंधेरा है ना गैस क्या करें, अब जल्दी जल्दी भागते हैं गैस, जल्दी लिफ्ट आ गई। चलो 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 भाई अब हम मामा का वेट करते हैं, मामा थोड़ा सोच लो आती है ना, उनके पाँव में थोड़ी लगी हुई है गैस जी हमारी, तो जल्दी जल्दी हम मामा को बुलाते हैं। दो बार पे भी सेवन बटन हमारा दब गया है, हम लोग सेवन फ्लोर में रहते हैं ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी गिफ्ट आए। बहुत सो मैं अभी घर पे आ गया हूँ गाइस, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, मैंने अभी पंखा खोल दिया यार, मैं बहुत शुक्रिया गाइस, मतलब कि आम वो मैंगो को शेक पी के चले गए थे जब भी मुझे इतनी भूख नहीं लगी। अभी मैंने मम्मा को बोल दिया मम्मा मेरा नाश्ता रेडी कर रही है, या कहीं जाएंगे आज देखते हैं जाना है, कल जाएंगे, कल तो वैसे मेरे पेपर हैं, अभी मैं कंप्यूटर का वैसे भी है कि अभी मैं थोड़ा आराम करने लेटूंगा, वैसे अभी मैं नाश्ता रेडी हो, फिर मैं नाश्ते के बाद बिल्कुल के गई। आगे बन सुबह भी मेरा नाश्ता आ गया, जो मैंने कहा नहा धो के भी रेडी होगी, मेरी मम्मा ने बोला बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तुम नहा लो अभी ना, मेरा नाश्ता भी आ गया है, और अभी तुम नाश्ता करना उसने, मुझे नाश्ते मेरा पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मम्मा को रस बोल दो मम्मा मेरे पराठे की जगह रोटी डाल दी, आज भी मम्मा ने साग मेरे जो सब्जी का सालन और मेरी रोटी डाली, पराठा मुझे सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता, जब पराठा खाता हूँ तो कभी कभार खा रहे तो वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह ना, इसलिए मैंने अभी नाश्ता कर लिया, मैं फटाफट जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, वैसे फिर नमाज के बाद मैं आता हूँ प्रिपेयर थोड़ी प्रिपरेशन करता हूँ, वैसे ही मैं फटाफट जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। जोर की नमाज पढ़ कर आ गया तो उसके बाद मैं सोने चले गई, मैंने मम्मा को बोल दी तो मम्मा मुझे जाँच उठा देगा, फिर मम्मा भी सो गई थी गाइस, इसलिए अभी मैं उठा हूँ साढ़े पाँच सवा साढ़े पाँच बजे पौने छः बजे जमात खड़ी होती है, इसलिए फिर नमाज के लिए मैंने वजू वजू कर लिया, मुँह हाथ धो लिया, उसके बाद मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, फिर नमाज के बाद मिलता हूँ की गाइस। सुबह में भी असर की नमाज पढ़ कर आ गया हूँ गाइस, असर की नमाज पढ़ने के बाद गाइस मेरे पापा भी गए कचौड़ी लेने गए, कचौड़ी लेकर आते हैं गाइस, पर हम लोग खाते हैं कचौड़ी बची भी करते, शाम का टाइम और चाय पी लेंगे, अच्छा कचौड़ी बची खाते रहती, फिर हम दिखाई अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, जो बेल आइकन को भी दबा देगा, याद से ओके। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस हमारी कचौड़ी आ गई है, और अभी मस्त कचौड़ी खाते हैं गाइस बैठ के, और अभी मगरिब के अजान का भी टाइम होने वाला है, जल्दी से हम खाते हैं, फिर गाइस फारिग होते हैं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है कचौड़ी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कचौड़ी है, बट इस पर बहुत थोड़ी मिर्ची है सालन का, मैं थोड़ी मिर्ची गाइस भी सही बेल्टन हो गया, और मैं भी जल्दी जल्दी बस जल्दी खाता हूँ, फिर मगरिब की नमाज पढ़ने जाता हूँ गाइस, पता नहीं गाइस आजकल
बहुत ज्यादा टाइम जल्दी जल्दी गुजरने लगा। अभी नमाज पढ़कर आया था सर की, फिर दोस्तों से थोड़ा बातें बातें करा, फिर बाजार से जल्दी जल्दी सौदा लाया, फिर अभी घर आया। अभी देखो 7 बज गए, कहाँ पे 6 बजे नमाज खत्म होती है, घंटा यूं गुजर गया पता ही नहीं चला। गाइस पता नहीं आज का टाइम गाइस बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। चलो गाइस मगरिब की नमाज पढ़ के भी फारिग हो गए, अभी मैं अभी मगरिब की नमाज पढ़ कर आया हूँ। कचौड़ी वचौड़ी भी मैंने बाकी मजाक के कहते ना आजान में भी खा लेती, इसलिए मम्मा अभी बिरयानी हमारे किचन में पका रही है, जब तुमको पकाने देते गाइस। और अभी बस अपनी थोड़ी सी और कंप्यूटर की तैयारी करूंगी, क्योंकि गाइस कल का पेपर जो आ रहा है ना, पढ़ा ही जो होने वाला है, कल का पेपर जो होगा, लेकिन अल्लाह साथ है तो कुछ भी डरने के बाद ही इंशाल्लाह अच्छा पेपर होगा इंशाल्लाह। मैं अपनी यूनिफॉर्म रखता हूँ, ये मतलब कि अभी तो मेरी यूनिफॉर्म मशीन के अंदर मामा ने वॉशिंग करी है ना, ये आपको अगर दिख रहा है तो आप लोग दिख रहे हैं, ये हमारे सारे कपड़े हैं जो कि गाइस अभी धुल गए, आपको नहीं दिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े कपड़े हैं गाइस। सो ये अभी सुबह होगी तब ये सूख जाएंगे, फिर बहुत काम है भाई। और अभी है ना पॉलिश भी लाएंगे, हमारे जो जूते करने वाले पॉलिश थी वो भी खत्म हो गई है, बस अभी लाएंगे फटाफट खाना खा के फिर व्लॉग एंड कर देंगे गाइस। मैं ईशा की नमाज पढ़ के सही नमाज पढ़ के फारिग हो गए गाइस, और अभी मैं ईशा की नमाज पढ़ कर आया करता गाइस। फिर मुझे बाहर से खुशबू आने लगी बिरयानी के गाइस में, फिर मेरे मामा को बोले मम्मा इतनी अच्छी खुशबू आ रही गाइस, दिखा मुझे एक नजर, फिर गाइस मैंने देखा इतनी अच्छी खुशबू आती थी, मैं आपको बिरयानी की लुक भी दिखा देता हूँ, ये आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए 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 गाइस हमारी बिरयानी की देरी हो रही है, हमारे बिरयानी की लुक देखे यार, मतलब कि इतना अच्छा कलर भी गाइस, टेस्ट भी इतना अच्छा होगा, मेरी बिरयानी वेट कर रही है मेरे उस कमरे में अपने ड्राइंग रूम में। ये देखिए मेरी बिरयानी आ गई है, मजे मजे की बिरयानी, अरे यार बहुत। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मस्त मंड के खाते हैं गाइस, फुल एंजॉयमेंट के साथ। ओके गाइस ये राइटर लिया हमने, ये पटाख, ये पटाख, और जल्दी जल्दी इसको डालते हैं रायता, फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा तेरे को, अच्छी खुशबू आ रही गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको। ये हम पहली बाइट बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं गाइस। ओके और ये बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक ही था, एंड तक एंड कर रहा मैं। और आप लोग मुझे कमेंट देना गाइस, कमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट बताएं क्या आप लोगों को मेरे जितने भी मैंने अभी तक व्लॉग बनाए ना, फुल व्लॉग संडे या ओके ओके दूसरे व्लॉग, उसमें आप लोग बताएं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी हूँ, मैंने क्या क्या आपको उस वाले पार्ट में मज़ा आया है। और आप लोग जल्दी जाएं और मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जब तक के लिए अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।